बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद से आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ टैन रिमूवल के लिए। तो चलते हैं अपनी पहली रेमेडी की तरफ। दो लेके आई हूँ फेस मास्क हैं। मैंने वाटरमेलन ले लिया, इसको हमने 1 टेबल स्पून लेना है और साथ में मैंने हनी ले ली, ये भी हमने 1 ही टेबल स्पून लेनी है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। जी जनाब, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं वापस आ चुकी हूँ, अब मैं आपको बताती हूँ अप्लाई करके। जी जनाब, मैं इसको हाथ पे कर रही हूँ, आपने इसको फेस पे करना है और स्लो स्लो करना है। आधा घंटा इसको आपने 30 मिनट तक लगा के रखना है, फिर ठंडे पानी से वॉश करना है। और मैं अब चलती हूँ तरबूज की तरफ। जो वाटरमेलन है वो आजकल खाना भी चाहिए, क्योंकि रमज़ान है, हम लोग रोज़ा रखते हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, क्योंकि इसमें 92% वाटर है, विटामिन ए और विटामिन सी है, तो हमें इसे अपने रूटीन में भी रखना चाहिए। दूसरा इसलिए कि आजकल घर पे है, हमें ज़्यादा फालतू बाहर भी नहीं जाना चाहिए, कोरोना का भी मसला है, तो घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चलते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। जी जनाब, ये हमारी दूसरी रेमेडी है ड्राई स्किन वालों के लिए। ये भी फेस मास्क है और इसमें हमने लेना है 1 टेबल स्पून ही लेना हमने वाटरमेलन जूस, और साथ में लेना है 1 ही टेबल स्पून रॉ मिल्क। इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। देखिए कितना प्यारा शेड आ रहा है, इसी तरह फेस हो जाएगा। जी जनाब, इसको मैं करती हूँ अप्लाई। इसको भी आपने आराम आराम से अप्लाई करना है फेस और नेक पे, और 15 मिनट इसको रखना है। उसके बाद ठंडे पानी से आपने इसको धो लेना है। और दूध जो है ये सन स्पॉट्स को ख़त्म करता है, फिर कम्प्लेक्शन देता है। ज़रूर आप ट्राई करिएगा। जी जनाब, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें। मेरा गला आज ख़राब है, इसको आपने आवाज़ मेरी फटी हुई है, तो इसको आपने आज बर्दाश्त करना है। और मिलती हूँ अपनी किसी अगली रेमेडी या रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।